Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shikhawat and I hope you all are doing great. So guys, आज है 19th of July and मैंने अभी just realize किया कि इतने दिन हो गए मैंने अभी तक कोई full day vlog नहीं किया है. So I thought कि चलो आज मैं full day vlog करती हूँ अपना. And आज ना सुबह सुबह जब उठी तो सुबह ही सुबह काफ़ी low feel कर रही हूँ. पता नहीं क्यों कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस आलस जैसा. सो के उठी हूँ, नहा भी लूँ, फिर भी मन कर रहा है सो जाओ चुपचाप से. तो पता नहीं कैसे जाने वाला है दिन मेरा, तो आप लोग मेरे साथ रहिए. थोड़ा सा मैं आपको अपना स्किन केयर दिखा देती हूँ कि अभी मैं रिसेंटली क्या यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे. और इस समय तो फेस मेरा काफ़ी अच्छा है, अभी तो जस्ट नहा के आई हूँ, कुछ भी नहीं लगाया है. सो थोड़ी केयर की तो ज़रूरत है हमारे फेस को. लेट्स गो. सो गाइज, मॉइस्चराइजिंग के लिए सबसे पहले मैंने अपने हाथ और पैर में, मतलब हैंड में, तो ये एम कैफीन की हैंड क्रीम लगाई है. पैर में जस्ट वैसलीन मैंने यूज़ कर लिया. कभी भी कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ जैसे मेरा मन करे. एंड फॉर फेस, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. आप लोगों के वहाँ गर्मी कैसी हो रही है? मैं तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है. सो बालों से मिल गई राहत. और अभी यूज़ करेंगे मैं कायमा आयुर्वेदा का ये प्योर रोज़ वाटर. बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा रोज़ वाटर मुझे यही वाला सूट किया. मेरी पिछले 5 से 6 महीने की वीडियो में तो आपको यही दिख रहा होगा, यही टोनर यूज़ कर रही हूँ मैं. आई लुक एट माय टैटू, आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ बाय द वे. और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि ना व्लॉग करो तो आपके कई सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं हो रहे होते हैं और व्लॉगिंग टाइम हो जाते हैं. तो मैं सोच रही हूँ मैं व्लॉग करूँगी, मैं जितने पेंडिंग काम है सारे काम करूँगी फटाफट अपने 5-6 दिनों में. सो टोनर लगा लिया है, इसको थोड़ा एब्जॉर्ब बनाने देंगे अपने स्किन. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन टू द वीडियो, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू विद अ न्यू प्रोडक्ट दैट आई एम करंटली यूजिंग इन माई स्किन केयर डेली स्किन केयर रूटीन. एदर इट इज डे रूटीन और नाइट रूटीन, आई एम इंक्लूडिंग दिस प्रोडक्ट इन बोथ ऑफ माई डे एंड नाइट रूटीन. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वाओ. सो गाइस, यहाँ पे हूँ मैं वाओ का वाइटामिन सी फेस सीरम के साथ में, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये. एंड मैं इसे डेली यूज़ कर रही हूँ अपने डे एंड नाइट रूटीन में, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो ये हमको ऐसे पैकेजिंग से मिलता है, इसको निकालेंगे तो हम अपना प्रोडक्ट यूज़ कर पाएंगे. और ये सेफ टू ट्रेवल है, क्योंकि अगर जब तक ये लगा रहेगा इसमें तब तक आपको लीकेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट का टेक्सचर है काफ़ी वाटरी है और काफ़ी स्मूथ है. हल्का सा भी आप इसको ना ऐसे करोगे पूरा ब्लेंड हो जाएगा, बहुत अच्छे से स्किन में आपके जाएगा. और गाइस, सबसे अच्छी चीज़ है ना कि ये एकदम ऑयल फ्री है. देख रहे हो आप, एकदम ऑयल फ्री है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है. एंड आपको 30 ml का प्रोडक्ट मिलता है. ये मेड इन इंडिया ब्रांड है, सो नो पैराबेन, नो सिलिकॉन एंड नो मिनरल ऑयल. ऑब्वियसली ये आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगा. एंड बात करते हैं प्राइस की, तो 899 इसका प्राइस है. और गाइस, प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी टू बाय इट. और इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गाइस, जो ये प्रोडक्ट है ये आपको मिल जाएगा वाओ की खुद की वेबसाइट पर, वरना आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नायका, इन तीनों जगह आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा. छोटा है पर अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है. सो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, तो मैंने टोनिंग कर रखी है अपने फेस पे. और इस 1 pump प्रोडक्ट लोगे आप, क्योंकि 1 pump में ही काफ़ी ज़्यादा होता है और आप अपने पूरे स्किन पे इसको अप्लाई कर लोगे. एंड गाइस, इसके बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज़ वेरी नाइसली विजिबल इन नेचुरल लाइट. सो गाइस, इसको यूज़ करिए और मुझे रिजल्ट अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट. एंड लेट मी शो यू माय स्किन, हाउ ग्लोई एंड हाउ सपल. सो फ्रेंड्स, ये है डिफरेंस बिफोर और आफ्टर, आप देख रहे होगे, तो ये जेन्युइन है. और मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको यूज़ करने से पहले आप लोग पैच टेस्ट ज़रूर कर ले, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है और इट कैन बी एलर्जिक टू योर स्किन. फ्रेंड्स, इसकी जो टैगलाइन है दैट इज़ बी वाउंड नेचुरली. और इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि प्योरीफाइड वाटर है, हार्लोनिक एसिड है, फेरोलिक एसिड है, ग्लिसरीन है, हेजल एक्सट्रैक्ट है. ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में और एजिंग को कम करने में हेल्प करेगा. वाओ वाइटामिन सी प्लस फेस सीरम दैट इज़ वेरी गुड फॉर अवर स्किन. वैसे भी हमें फेस सीरम को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इट हेल्प्स बूस्ट स्किन हेल्थ, इट डिलीवर्स पोटेंट एक्टिविटीज डायरेक्टली इन टू द स्किन. ऑलवेज अप्लाई इट बिफोर योर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन. सो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो. छोटे से ऐसे सीड्स भेजे हुए इस सैशे में, तो जितने भी ये ऑर्डर करते हैं इसके साथ में ये सैशे भेजते हैं, ताकि बहुत सारा हमारा इन्वायरमेंट में खूब सारे प्लांट्स लगे और इसके अंदर रियल में प्लांट्स हैं, मतलब सीड्स हैं. और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं कौन से सीड हैं ये. तो ये भी है कि आप इसको स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में और भी चीज़ें. सो
ओके ओके ओके, यहाँ पे लिखा हुआ स्पिनच, तो ये स्पिनच के सीड्स हैं यहाँ पे। इस पर लिखा है प्लांट सीड्स गो ग्रीन एंड बी वाओ नेचुरली हैशटैग वाओ ग्रीन हैंड्स वाओ। रियली बहुत अच्छा आइडिया यार, ऐसे तो बहुत कमी लोग होते हैं जो खरीद के स्पेशली लाएं और फिर लगाएं, जिनको शौक होता है वही करते हैं, वैसे तो नहीं हो पाता है। सो अगर ऐसे हर प्रोडक्ट के साथ में आपको एक सेशे आएगा सीड्स का, तो आप भी सोचोगे क्यों वेस्ट करना, चलो इसको लगा देते हैं। मैं भी आज इस सीड को मैं पक्का लगाऊंगी खुद ही अपने हाथ से, आपको भी दिखाऊंगी। सो अभी मैंने स्किन केयर कर लिया, आप कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बस पूजा करना है, क्योंकि अभी मैंने पूजा करना शुरू कर दिया है, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा रामायण पढ़ लेती हूँ। सो ट्रैवल फ्रेंडली है और ये लीकेज का कोई डर नहीं है, इसको आप यहाँ से जैसे आया है वैसे ही लॉक कर सकते हो, तो ये कहीं भी ना पंप होगा ना कुछ, ठीक है, तो आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। सो अभी मैं लगा लूँगी अपनी लिपस्टिक बिंदी एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि पूजा करो तो सब पसीने में निकल ही जाना है, लेकिन फिर भी इतना ज़रूरी होता है और मेरे रूटीन में है तो मैं करती हूँ। सो लेट्स गो, और मिलती हूँ मैं आपको अब जब अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर, ठीक है। सो इस समय थोड़ा हेल्दी खाने का मूड बनाया है, क्योंकि बहुत दिनों से जंक खा रहे हैं, तो ये हैं कुछ चीज़ें जो मैं सुबह सुबह खाती हूँ। ओके लेट मी शो यू। सो इस पूरे डिब्बे में मैंने मिक्स जो है स्प्राउट्स भर के रखे हुए हैं। सो दो मुट्ठी डालती हूँ मैं, एक अपने लिए एक इनके लिए, अच्छा खासा फूल के मतलब हो जाता है इसमें। और उसमें मूँगफली के दाने हैं, सोयाबीन है, मूँग दाल है, चने हैं, कुछ मेथी के दाने हैं और कुछ बाजरा के सीड्स मिलेंगे, मतलब 9 ग्रेन्स हैं ओवरऑल। और इधर है अंजीर, तो अंजीर खाने से ब्लड की प्लेटलेट्स काफ़ी जल्दी बढ़ती हैं। और कुछ बादाम डाल देती हूँ मैं, जो मतलब इसका छिलका हटा के सुबह खाते हैं। और इसके डालने के बाद मैं कुछ किशमिश डाल देती हूँ, क्योंकि भीगी हुई किशमिश, बादाम, अखरोट ये सब खाने से ना काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब ऐसे खाने से ज़्यादा अगर आप भीगे हुए खाओ वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर मैं दो अखरोट भी डाल दूँगी और सबको मिला के पानी में पूरा तो मतलब ओवरनाइट 4-5 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग हो जाता है और पेट भरा रहता है, तो कुछ ऊटपटांग खाने का मन भी नहीं करता है, तो बेस्ट नाश्ता है सुबह के लिए अगर आप करो। वेल फ्रेंड्स, तो मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और इन सब में पूरा टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं, 11:15 हो रहा है ऑलमोस्ट, एंड अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। सो ये मैंने लिए हैं कुछ स्प्राउट, थोड़ा सा प्रोटीन है, थोड़ा सा ही है, सो थोड़ा सा नहीं एक्चुअली हैवी होता है ये, सो मैंने थोड़ा ही रखा है, बाकी इन्होंने खा लिया, तो अभी मैं ये खाऊंगी। और यार पता नहीं बहुत वीकनेस लग रही है मुझे, सो उसके बाद में ना ये खा लूँगी, देन दूध पीऊँगी, या फिर इनके लिए, हाँ इनके लिए मुझे दूध केला बनाना है, मतलब केले को छोटे छोटे काट के, जो गल गए होते हैं ना केले, तो उसको छोटे छोटे से काट के दूध में हल्का सा चीनी डाल के बस बॉईल कर दो, इनको बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बस यही खाते हैं, तो मैं इनके लिए बनाऊँगी। और फ्रिज में रखने से पूरे केले मेरे काले काले हो गए हैं, सो अभी मैं उसको कट कर देती हूँ एंड देन मैं उसको बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, सो अभी मैं किचन में हूँ एंड दूध के लिए मेरा रेडी हो रहा है, और थोड़ा सा दूध मैंने निकाल दिया है पैन में चाय के लिए, सो चाय एंड ब्रेड। और दूध के लिए अभी तो नहीं खाने वाली, ठंडे हो जाने के बाद में दोपहर शाम तक जब भूख लगेगी तब खाएंगे। सो इतना सारा मैं नहीं खाती, ना यही खाते हैं, तो ये भी स्प्राउट्स खा के गए हुए थे। सो अभी हम लोग ब्रेड और चाय खाएँगे पियेंगे एंड इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के बाद, इट्स गेटिंग रेडी। सो ये है हमारा ब्रेड और चाय दोनों रेडी, यम्मी यम्मी। लाल भाई खाएं, खाओ, नींद कर रहे हो, थका था फोटो के लिए। ये आटे वाले ब्रेड ऐसे ही होते हैं बेकार जैसे, हाँ टेस्टलेस होते हैं, बट ठीक है मैदा तो अच्छा ही है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सो दोपहर होते होते ही मुझे फीवर भी आ गया और फिर मैंने मेडिसिन ली एंड देन सो गई थी। सो शक्ल से ही अजीब सा ही लग रहा है शक्ल, अभी बहुत तेज़ भूख लगी, 5:30 बज रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी, फिर ये फ्राइड राइस लेके आई हूँ, बस जीरा और नमक से फ्राई किया, बहुत मन कर रहा था एकदम सिंपल सा खूब क्रंची सा खाने का। मैं इतनी ईजिली दवाई खाती नहीं, इनफैक्ट मुझे फीवर भी आता था मैं खाती नहीं थी, लेकिन आज लगा कि नहीं ठीक हो गया ऐसे, सो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो व्लॉग आगे शेयर करूँगी, वरना
नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट डे यानी कि कल होगा। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे और अभी मैं जा रही हूँ वाव स्किन साइंस का जो स्पिनच का पेड़ मिला था वो उसको बोने। मोटर चल रही है क्या? तो अभी हम जा रहे हैं इस पौधे को बोने, फिर हम देखेंगे कि ये कितना मतलब जमता है कि नहीं। और ये यहाँ पे इतने सारे पेड़ है ना, यहीं पे अभी हम बोएंगे। खुरपी आंटी सो रही थी। पेड़ बोने जा रहे हम, स्पिनच खाएंगे ना, खाऊंगी ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन लीफ। ब्लॉगिंग करने जा रही हूँ, ब्लॉग चल रहा है मेरा। देखो लेकिन इधर से कैसे करोगी, इधर से करो और लैंडस्केप मोड पे ऐसे। मुझे सोना वोना मिल जाए कुछ अंदर। सोना नहीं तो आपको भी चांदी मिलेगी यहाँ। क्या क्या ना करना पड़ेगा। पालक, फिर पालक की पकौड़ी बनाऊंगी। सब लोगों को खिलाओगी? हाँ खाओ। ये एक ही तो ये डाल दोगी क्या? और क्या, कोई ना कोई तो निकल ही आएगा। पानी कौन डालेगा बड़ा? भगवान जी बैठो उनके भरोसे। नहीं होगा तो पालक का बीज मिला। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कस्टर्ड बनाने। आप भी सोचोगे ये सब बना ही रही है। एक्चुअली ऐसा है ना कि खाली फ्रूट से खाली दूध में से पिया नहीं जाता, तो फिर या मिक्स कर लो या ऐसे करके बना लेती हूँ, तो इसी बहाने मैं खा लेती हूँ। सो अभी ये देखो हाउ ब्यूटीफुल। सो गाइस इसमें मैंने छोटा छोटा सा एप्पल काटा है, बनाना काटा है, कुछ अनार के बीज हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में से बादाम और काजू है। सो एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जब बनाया था तो मैंने पिस्ता ऐड कर दिया था, तो सो उसका जो नमक होता है उससे हल्का सा खट्टापन आ गया था, सो जल्दी ख़राब होने के चांसेस थे। तो इस बार मैं पिस्ता नहीं, आप ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल सकते हो। एंड मैं पूरी वीडियो तो नहीं कस्टर्ड की बनाऊंगी, आपको यूट्यूब पर कई वीडियोज़ बन जाएंगे, बस मैं बनाने जा रही थी, मैंने सोचा अपडेट कर दूँ। एंड काफ़ी हेल्दी होता है, सो सुबह सुबह अगर आपको वेट गेन करना है तो भी आप खा सकते हो। फिलहाल मुझे वेट गेन नहीं करना है, बस अच्छा खाना है। सो स्प्राउट्स के बाद में कुछ मन होता है ऐसा से खाने का, तो थोड़ा सा क्वांटिटी में खा सकते हैं एंड ओबियसली फ़ायदा तो करता ही है। सो इसको बस जस्ट मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा मिला के और थोड़ी देर बॉयल करके रख दूँगी। बहुत जल्दी बन जाता है, बस काटने पीटने में जो टाइम लगता है वो लगता है, बाकी नहीं लगता। मैंने प्लांट भी अपना लगा दिया, पता नहीं कितने दिन के बाद निकलेगा। सो किसी ना किसी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा अगर पेड़ निकला तो। मैंने सारे बीजे एक ही जगह बो दिए हैं, कोई ना कोई तो ग्रो करेगा ही, वो बारिश का सीज़न है तो होप सो जल्दी निकला है। मुझे अब मतलब पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका ये जो दिमाग है वाव स्किन केयर का कि प्लांट भेजो। सो नहीं भी मन होता ना जाके लगा दिया। माई कस्टर्ड इज रेडी हेयर और बस ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़े से पोमग्रेनेट डाल के कुछ पिस्ता और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के आप इसको सर्व कर सकते हो, बहुत यम्मी लगता है। गाइस अब इतनी तेज से धूप थी, अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, एकदम दिन में भी ना एकदम अंधेरा हो गया। बहुत दिन बाद बारिश हुई, बहुत तगड़ी होने वाली है। लेट मी शो यू द वेदर। बहुत देर तक होने वाली है अब तो पक्का, मतलब दो तीन दिन तो गए। ऊपर से शो भी कर रहा था न्यूज़ में कि बारिश हो रही, आप लोग के वहाँ बारिश हुई कि नहीं मुझे कमेंट में बताओ। और यहाँ तो मतलब इस पूरे साल में ये दूसरी या तीसरी बारिश होगी, हम लोग एकदम इतनी गर्मी से पक गए थे ना। सो
अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम, मुझे बारिश वाला मौसम जो तेज़ वाली बारिश होती है ना तब बहुत अच्छा लगता है, एकदम वो धीरे 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 दिन भर वाली उसमें मज़ा नहीं आती, तो बारिश इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज, मैं चुकी हूँ रेडी, रेडी का मतलब बस थोड़ा सा, पर आज कल से थोड़ा बेटर है, आज थोड़ा एक्टिव हूँ, मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे बनवाना है लेकिन अभी मन नहीं है मेरा। चलो ठीक है, अभी कहीं जाना नहीं है तो मन नहीं है। और कपड़े देख रहे हो आप, पूरे रूम में फैला रखे हैं इधर उधर इधर उधर, इतनी बारिश हो रही है बाहर, आधे सूखे हुए हैं तो पूरे कमरे में सब ऐसे गंदा गंदा से स्मेल भी करने लगता है। सो चलो गाइज, मैं ये वाला ब्लॉग अपना यहीं एंड कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ घूमने। कहाँ जा रही हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। और यस, चलो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।